मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ। हम लोग चाइना से भले पीछे हैं, लेकिन हम अमेरिका को टक्कर देते हैं। वो था मनमोहन सिंह। अच्छा, मान के चलिए आपको अचानक 1 करोड़ रुपए मिला, एक सपोज कीजिए आप लोग, तो आप लोग की पीपीपी ज्यादा रही, लेकिन हमको 1 करोड़ मिला, मेरी पीपीपी कम हो जाएगी। क्यों? देखिए, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, पी से परचेजिंग, पी से पावर, पैरिटी मतलब क्रम। तो देखिए, आप लोग को अगर पीपीपी में मिलेगा 1 करोड़, तो आप लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी कम है। हमारा 1 करोड़ मिलेगा, सब सीधे 18 GST, 30 इनकम टैक्स, कर्मचारी, सर्वर, ये वो, दुनिया भर का खर्चा। आप 1 करोड़ खर्चा करते करते आपको 6 महीना आ जाएंगे, साल भर लगा देंगे। हमारे 1 करोड़ सोच रहे हैं 1 दिन में निपटा देंगे, 1 साल का ऑडिट भर के इनकम टैक्स भर देंगे, GST भर देंगे, बैंक की जितनी लाइबिलिटी भर देंगे, सर्वर कॉस्ट भर देंगे, सारे स्टाफ लोग को 1 साल का सैलरी दे देंगे, जा खत्म। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोचिंग का रेंट। आप बताइए, अगर सेम पैसा आपके पास 1 करोड़ आए और सेम पैसा मेरे पास आ जाए, तो पीपीपी यानी परचेजिंग पावर किसके पास ज्यादा रहेगा? आप लोग के पास ज्यादा, मेरे पास कम। समझ में आ गई? नहीं तो भारत के पास जितना देश अगर कर्जा ज्यादा लिया है, तो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वह आगे नहीं हो पाता है पीपीपी मामले। हम लोग चाइना से भले पीछे हैं, लेकिन पीपीपी के मामले में हम अमेरिका को टक्कर देते हैं। पीपीपी के मामले में चाइना सबसे आगे है। पीपीपी के मामले में सबसे आगे कौन है? 2 नंबर पर USA, 2 नंबर पे US, 3 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर इंडिया। यानी दुनिया में सामान खरीदने की सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? चाइना का। उसके बाद हम भले गरीब हैं, लेकिन जब दुनिया की नीलामी होगी, तो सबसे पहला खरीदार चाइना, दूसरा उसके बाद भारत। खरीदारी के मामले में हम आगे आएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर लाइबिलिटी बहुत कम है। हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। 1991 की बात बताते हैं, पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे, दुनिया के सबसे लास्ट। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, केवल 15 दिन का। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते हैं, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसे नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। केवल कितने दिन का पैसा बचा था? 15 दिन का। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिंह राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंप दी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है, और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर हैं, और आज तक दूसरा पे नहीं आया, सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। 15 दिन का पैसा था, कहां पे ला दिया? 3रा, और ये दूसरा पे नहीं आ सकता 2050 तक। आपको नहीं पता है, जिस देश में एजुकेशन पे 18% GST ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना GST लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी, हाँ मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं, आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे? इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन, और हमारे यहां मत पूछिए, यहां पर एक से एक है भैया, धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में, कहां से जाएगा हम लोग दूसरा से तीसरा जगह आगे बढ़। इसलिए देखिएगा, मोदी जी भी कांग्रेस को बहुत भला बुरा बोलते हैं,
लेकिन पर्सनली वो मोदी जी को नहीं, इनको मनमोहन सिंह को नहीं बोलते, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग जानते हैं उनको जानते हैं। और इवन मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जाता, वो इंसान बहुत सीधे थे, राजनीति वगैरह नहीं जानते थे। और राजनीति में यदि छल कपट नहीं जानते हैं, जाइए काम से, खत्म हो जाएंगे।